जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 60,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपके प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरे भाई इस बार वर्दी लेनी है ना, तो जोरों शोरों से चलानी पड़ेगी। चलो जी कुछ का नाम ले लेता हूं। प्रतिमा माई टारगेट यूपीएसआई, खुशबू नित्या, सोनू, मनोज, विपासा, एक्शन, रेणु गुप्ता, प्रशांत, प्रीति, अंगद, मिस चांदनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी। आज का जो हमारा सेशन है यूपी पुलिस मेरे भाई, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, एसआई हो, हेड कांस्टेबल हो, किसी के लिए भी हो मेरे भाई, ये क्लास आपके जो है एसएससी के एग्जाम के लिए भी सुफिशेंट है मेरे भाई। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या है मेरे भाई, 3 है। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं जो अपने आप में यूनिक है मेरे भाई। तो जिन्होंने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, वो पहले के प्रैक्टिस सेट जरूर देख ले। बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है क्रैश कोर्स, और इस समय आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर 10 जनवरी तक है आपका, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र ₹250 में। तो अभी एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और इस वाले बैच से जुड़ के अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। चलो जी सेशन का पहला क्वेश्चन ही बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं। लेटर सीरीज का क्वेश्चन देखो, इसका आंसर होता है क्या होगा। इसने कहा दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करे। कहने का मतलब यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। कब आया मेरे भाई यूपी पुलिस आपका, आया था ये कांस्टेबल में 18 तारीख 6 महीना 2018 में, बताएं इसका आंसर। देखो कुछ लेटर सीरीज होती है जैसे आपका ए बी, इसके बाद आपका आया मेरे भाई, आपका आया यहां पर आया सी डी, ठीक है। ऐसे पहले की पहले से तुलना करके मेरे भाई, अब जना अब मैं बता दूं लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, और देख लो लेवल बढ़ने पे ऐसा क्वेश्चन आता है लेटर सीरीज का, इसका आंसर आप मुझे दे। तो कुछ नहीं है इसमें, देखने में भयंकर लग रहा है मेरे भाई। तो करना क्या है, पहले ध्यान से देखो इसे क्या है। देखो यहां पे आपके क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 तो इसमें ई है, और इसमें लास्ट में 5 ही क्या है, एफ है भाई। 5 ई है और 5 ही क्या है आपके, एफ है। चलो जी आगे जब हम चले, तो इसने क्या काम किया, इसने ये किया कि जहां पहले आपका ई आ रहा था, अगले में आपका ई हटा के एफ ऐड कर दिया, ठीक है। आगे क्या किया, लास्ट में जहां एफ आ रहा था, एफ की जगह क्या कर दिया, ई। मतलब कि आगे पीछे इसने चेंज कर दिए, क्या मेरे भाई, जहां एफ था वहां ई, और जहां ई था वहां एफ। अगले वाले में इसने जो है आपका जो है डबल एफ कर दिया आगे, और आपका जो है डबल ई लास्ट में कर दिया। चलो जी अगले वाले में इसने ट्रिपल एफ कर दिया, ट्रिपल एफ आगे, 3 एफ आगे, 3 ई पीछे। अगले वाले में इसने क्या किया, 4 एफ आगे, और आपका 5 ही, 4 ही आपका, 4 ई पीछे। हर बार क्या है, एक एक एफ बढ़ रहा है और पीछे से एक एक ही बढ़ रहा है। तो जब यहां 4 आपके क्या है, 4 एफ है आगे, तो अगला वाला जो सीरीज बनेगी उसमें कितने एफ होने चाहिए मेरे भाई, जब यहां 4 है तो हर बार एक एक बढ़ रहा है, तो 2 3 4 5 भाई आपका जो है, जब हर बार आगे की तरफ आपका एक एक एफ बढ़ रहा है, इसमें 4 थे तो अगले वाले में 5 होंगे, और लास्ट में भी आपका क्या है, लास्ट में ई का है, और ई में लास्ट में 4 है, तो इस बार क्या होंगे, एक और बढ़ जाएगा, तो ई भी आपके क्या होंगे मेरे भाई, 5 होंगे, 1 2 3 4
और मेरे भाई 5, तो ये वाला सीक्वेंस चल रहा है जिसका आंसर मेरे भाई, जिसका सी आ रहा है सारे सीओ, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 एफ है यहां पे और यहां पे आपके 5 ई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जिनका सी है वो सारे करेक्ट मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना वो उतना ही जी होगा, आपको जो है ना घबराना नहीं है। एग्जामिनर का मेन टारगेट है मेरे भाई आपके साथ खेलना, और वो ऐसे ही खेलता, आपको डरा के खेलता मेरे भाई, आपको दबा के खेलना चाहता है मेरे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। और कब आया क्वेश्चन मेरे भाई? यूपीएसआई 2014 है मेरे भाई, एसआई का क्वेश्चन है, डबल स्टार, ठीक है, दरोगा में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके सामने 3 सेट है, इन 3 सेट में आपके जो नंबर हैं उनमें जो संबंध है उनमें सेम रिलेशन, सेम संबंध वाला आपको जो है ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा। सेम आपका रूल जो है, जो रूल आपका इसमें लग रहा है वही रूल इसमें लगना चाहिए, और वही रूल अगर आप इसमें लगा दोगे तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, ए बी सी डी। देखो यूपीएसआई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करते हो, जब भी सेट वाला क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो कहां बन रहा है, सबसे बड़ा नंबर देखे हम बीच में बन रहा है, सबसे बड़ा नंबर हम देखे बीच में बन रहा है, तो आप जो है बराबर के जो छोटे नंबर हैं उनमें कोई लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं इन दोनों नंबरों को देखूं 7 और 5, जैसी मैंने 7 और 5 देखा तो मेरे माइंड में आया 7 5 35, इसका मतलब यहां पे इन दोनों छोटों नंबरों की गुणा कर दी इसने, 7 5 35। सेम मेरे भाई क्या करोगे, सेम मेरे भाई आप इन दोनों नंबरों की गुणा करके आपका बीच वाला बनेगा 1 2 क्या हुआ 2, तो सेम यहां पे आप क्या काम करोगे, इन दोनों नंबरों की गुणा करके आपका छियानवा बनना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो मेरे भाई, 12 1 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, और 12 8 12 8 96 मेरे भाई, यहां पे आपका 8 आना चाहिए, तभी तो 12 8 96 होगा। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका बी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई एनालिटिकल रीजनिंग, मेरे भाई यही है आपकी मेन, देखो ये है आपकी मेन चीज मेरे भाई, जो बच्चा इस एनालिटिकल रीजनिंग का ना चक्रव्यूह तोड़ के आएगा ना वही सिलेक्शन लेगा, याद रखना, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग जिसकी स्ट्रांग होगी वो बाकी तो सारा का सारा उसका स्ट्रोंग है ही मेरे भाई। तो आपके सामने एनालिटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। देखो एक इसने स्टेटमेंट कही, पहली स्टेटमेंट कह रहा है सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। भाई जितने भी आपके यंग साइंटिस्ट हैं वो क्या है, खुले विचारों, मतलब कि ओपन माइंडेड है मेरे भाई। आगे दूसरी स्टेटमेंट इसने कहा, खुले विचारों वाले में कोई भी आपका अंधविश्वासी नहीं है, बट जो ओपन माइंडेड होते हैं वो आपके कभी भी अंधविश्वासी नहीं होते, ठीक है मेरे भाई। कब आया क्वेश्चन है? यूपी पुलिस 18 तारीख 6 महीना 2018 कॉन्स्टेबल में आया था मेरे भाई, कॉन्स्टेबल में आया था। ध्यान से पढ़ना, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपका एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आए, जो जो मैं बोलता हूं ना, एक एक शब्द मेरे मुख से निकला, एक एक शब्द आपके लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तो बिल्कुल शांत होकर मेरी बात सुनो। जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आए, करने का का यह है कि जो भी आपका कथन देगा उसको आपको 100% सही मानना है, उसको आपको आंख बंद करके सही मानना है। अगर ये कह देता सभी कुत्ते शेर हैं तो भैया आप 100% उसको सही मानते, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, जो भी निष्कर्ष, जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो मेरे भाई इसी स्टेटमेंट से निकलना चाहिए, आपको कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं सोचनी, आपको प्रैक्टिकली नहीं सोचना, सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट के दायरे में रहते हुए सोचना है मेरे भाई। चलो जी अब सोचते हैं, इसने पहला निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। भाई क्या कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है? आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनो भाई, इसने कौन से वैज्ञानिक की बात करी थी ये मुझे बताओ। इसने वैज्ञानिक की बात करी थी, सभी युवा वैज्ञानिक, किसकी बात करी? जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं आज के टाइम में वो अंधविश्वासी नहीं है, जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं वो अंधविश्वासी नहीं है। भैया इसने सिर्फ बात करी है किसकी? युवा वालों की, जो यंग है।
और इसमें क्या कहा, कोई भी वैज्ञानिक, भाई वैज्ञानिक में तो आपके वो व्यक्ति भी आ गए जिनकी एज 30 से ज्यादा है, वैज्ञानिक में वे व्यक्ति भी आ गए जिनकी एज 50 से ज्यादा है। क्या 30 से ज्यादा वालों को या 50 से ज्यादा वालों को यंग बोल सकते हो क्या मेरे भाई? यहां पे आपका स्पष्ट रूप से कहा था जो नौजवान वैज्ञानिक है सिर्फ वे ओपन माइंडेड है मेरे भाई। नौजवान वैज्ञानिक की बात हुई थी और इस वाले में निष्कर्ष में कहा कोई भी वैज्ञानिक, मेरे भाई कोई भी वैज्ञानिक का मतलब तो इसमें आपके जो है जो ओल्ड हो चुके वे भी आ चुके मेरे भाई। यहां सिर्फ बात हुई थी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के जो वैज्ञानिक है उनकी बात हुई थी, ना कि सभी वैज्ञानिक की। तो ये मेरे भाई ध्यान से देख लो, ध्यान से सी वालो ध्यान से देख लो। तो ये क्यों गलत हुआ? ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसने यहां पे कोई भी वैज्ञानिक कह के टोटल वैज्ञानिकों की बात करी, लेकिन हमने स्टेटमेंट में ओनली यंग साइंटिस्ट की बात करी थी मेरे भाई, इसलिए गलत हुआ। चलो जी आगे बात करें। इसने कहा कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। भाई कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, भाई आप ये बताओ इसने क्या कहा था? इसने कहा था स्टेटमेंट में कि जो भी आपके यंग साइंटिस्ट हैं वो ओपन माइंडेड है, और कोई भी ओपन माइंडेड व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं होता। तो डायरेक्टली इसने इंडिकेट किसकी तरफ करा? आपका यंग साइंटिस्ट की तरफ। और इसने कहा कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। आप मुझे बताओ, बात तो यहां पे यंग साइंटिस्ट की हुई थी, युवा में तो मेरे भाई जो वैज्ञानिक नहीं है जो साइंटिस्ट नहीं है उनकी भी तो बात होगी भाई। युवा तो सारे हो गए, फिर युवा तो क्या हो गया इस भारतवर्ष में जितने भी आपके जो ना, जितने भी यंग जनरेशन के मेरे छोटे भाई बहन है वो सारे युवा हो गए, उसमें तो ये सारे युवा आ गए। लेकिन इसने बात करी थी किसकी? यंग साइंटिस्ट की बात करी थी मेरे भाई, ना कि सभी युवा की। तो ये भी मेरे भाई गलत होगा। जिनका आंसर डी है ना मेरे भाई, जिनका आंसर डी है, जबरदस्त मेरे भाई, जबरदस्त, वेरी गुड। आप डी वालों मेरी फीलिंग सिर्फ आप समझे हो मेरे भाई, मेरी फीलिंग डी वालों आप समझे हो। आपने ये जो बी वाले हैं, ये जो सी वाले मैक्सिमम है मेरे भाई, इन्होंने स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी मेरे भाई। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से जो चीज कह रहा है सिर्फ उसके बारे में सोचना है, ठीक है? बाकी किसी से कोई नाता नहीं है। अगर ये कहता सेकंड वाले में कि कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो आपका सही होता। इसने सभी युवा का जिक्र कर दिया, ऑल कंट्री के यंग जनरेशन का मेरे भाई। करेक्ट आंसर डी होगा। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर दे। चले जी आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने वर्ड वाला है मेरे भाई। चले इसका आंसर मुझे बताओ। देखो वर्ड वाले क्वेश्चन आपके दो चीजों पर आते हैं, या तो मेरे भाई आपका जीएस से रिलेटिव आएगा या एक कॉमन सेंस पे आएगा, ठीक है? कॉमन सेंस मतलब कि आज तक आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा का सारा ज्ञान जज करना चाहेगा, जांचना चाहेगा एग्जामिनर आपसे। यहां पे देखो इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। कब आया मेरे भाई? यूपी पुलिस आपका 2018 में आया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा दर्जन का जो संबंध 12 से है, सेम रिलेशन सेम संबंध स्कोर का किससे होगा? स्कोर का किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 से होगा, 50, 25, 10, बताएं मेरे भाई किससे होगा? चले जी आंसर आना स्टार्ट हुआ 20। देखो जिस प्रकार दर्जन में सबको पता है दर्जन में कोई भी चीज जो होती है वो होती है 12। भाई दर्जन में कोई भी आइटम लोगे वो आइटमों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। उसी प्रकार एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जिसका नाम है स्कोर। स्कोर में किसी भी चीज की संख्या, किसी भी आइटम की संख्या आपकी 20 होती है मेरे भाई। क्या होती है? 20। आपका स्कोर का मतलब होता है उसमें चीजों की संख्या कितनी है? 20। जिनका आंसर ए है वो सारे करेक्ट हो मेरे भाई। यूपी पुलिस 2018 में आया क्वेश्चन था ये वाला आपका। चले जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा यदि 1 अगस्त को अगर आपका बुधवार है तो आपसे पूछा 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? चले जी बताएं मेरे भाई आपका क्या है? इसने कहा 1 अगस्त को आपका कौन सा दिन है मेरे भाई? बुधवार है। 1 अगस्त को बुधवार है तो आपसे पूछ रहा है 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? चले बताएं मेरे भाई कौन सा होगा?
कब आया क्वेश्चन है? यूपी पुलिस मेरे भाई, यूपी पुलिस 2014 में आया क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर आम मुझे होता है, अंगूर दर्द में नहीं होते। चले सर, सर ये तीन क्वेश्चन समझ नहीं आता। विक्की मेरे भाई एनालिटिकल रीजनिंग, जो मैं बोलता हूं विक्की मेरे छोटे भाई, उस बात पे अगर ध्यान दोगे ना तो समझ में आएगा। मैंने कहा जब भी एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ मेरे जो मुख से एक एक प्रतीक वर्ड निकलेगा ना, वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो इस वाले वर्ड को ध्यान से सुना करो, ठीक है। चले बताए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो जब भी आपका देखो कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे भाई, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप 1 अगस्त से जब 1 सितंबर पे जाओगे तो कितने दिन आगे जाओगे मुझे ये बता दो भाई। अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में आपके 31 दिन होते हैं, 31 में से एक दिन आपका हो चुका, तो अगस्त में आगे की तरफ कितने दिन बढ़ोगे? 30 दिन तो ये बढ़ोगे। और जाना कहां है आपको? 1 सितंबर पे जाना है, तो एक दिन आप किसका जोड़ोगे? एक दिन आप सितंबर का जोड़ोगे, तो 31 और 1 क्या हुआ? 31। तो आप क्या करें, आपने क्या किया मेरे भाई, 1 अगस्त से आपका सितंबर, 1 सितंबर पे आने के लिए आप कितना आगे बढ़े मेरे भाई? 31। आंसर आया शनिवार। अब 31 आया, याद रखना अगर कोई नंबर 7 या 7 से बड़ा आ जाए मेरे भाई, अब इसे विषम दिन ओड डे में बदल लो। अगर कोई नंबर 7 या 7 से बड़ा आ रहा है ना मेरे भाई, तो उसे 7 से भाग करके जो है जो शेष पल जो रिमाइंडर बचे भैया, उसे कहते हैं ओड डे, उसे उसमें बदल लो। अगर मैं इसे 7 से भाग करूं तो देखो आपका क्या शेष पल आएगा मुझे बताओ। 7 चौक 28, 31 में से 28 गया, कितना बचा मेरे भाई? 3। तो शेष पल रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई? शेष पल रिमाइंडर आया मेरे भाई 3। तो यहां पर विषम दिन कितने बने? ओड डे आपके आए मेरे भाई, आपका जो है 3, ओड डे आपका क्या आया? 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप जो है आगे की तरफ जाते हो तो ओड डे को आप जोड़ोगे, अगर आप पीछे की तरफ जाते हो तो जो ओड डे है उसे घटा देना मेरे भाई। आप कहां जा रहे हो मुझे ये बता दो सारे के सारे। आप मेरे भाई 1 अगस्त से सितंबर पे जा रहे आगे की तरफ जा रहे हो, तो आप आगे की तरफ जा रहे हो तो जितना ओड डे है उसमें जोड़ दो। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ो मेरे भाई, भैया ये संडे वालों सारे गलत हो। बुधवार से अगला दिन क्या आता है मेरे भाई? आपका गुरुवार। गुरुवार से अगला दिन आपका मेरे शुक्रवार, और शुक्रवार से तीसरे वाला दिन आपका शनिवार। जिनका आंसर सैटरडे है, जिनका आंसर मेरे भाई शनिवार है सैटरडे है, वो सारे के सारे करेक्ट हो। सैटरडे करेक्ट आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सैटरडे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 का आंसर क्या हुआ? 5 का आंसर मेरे भाई ए होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। चले वेरी गुड मेरे भाई, यूपी पुलिस स्पेशल क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर ध्यान से पढ़ो और बताओ मेरे भाई क्या होगा। इसने कहा ऐसे कितने 5 हैं जो अपनी बाई ओर की संख्या से भाज्य नहीं है भाई। ऐसे कितने 5 है इस वाली लाइन में जो आपका उससे जो लेफ्ट वाली संख्या बाएं वाली उससे उस जो भी नंबर आएगा उसके पहाड़े में या उससे नहीं कटना चाहिए। आगे कहा लेकिन अपनी दाई ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि यह कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है जो 5 है ना इससे पहले जो नंबर आएगा उस वाले नंबर में आपका ये जो है जो भी नंबर आए उसके पहाड़े में उसके टेबल में या उस नंबर से ये 5 कटना नहीं चाहिए। लेकिन जो इसके इधर वाला नंबर आएगा वो वाले नंबर के पहाड़े में उस वाले नंबर के टेबल में ये आपका 5 आना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े मेरे भाई 5 के आम मुझे बताओ। आंसर आना स्टार्ट हो गया 2। आंसर आ रहा है 2 कुछ का 1। चलो जी सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होगा कब आया यूपी पुलिस आपका 2018 में आया था मेरे भाई। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होगा 5 को ढूंढो भाई। 5 को अगर मैं ढूंढूं देखो ये रहा मेरा भाई 5। तो अगर मैं 5 को ढूंढूं तो देखो ये मिला मुझे 5 और इसके लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर 8। अब क्या 8 के पहाड़े में आपका जो है 5 आता है आपके को? सर नहीं आता। बिल्कुल जी ठीक है, हमारी यही शर्त थी। अब 8 के इधर वाले नंबर में क्या है मेरे भाई? 5। क्या 5 के पहाड़े में मेरे भाई आपका जो है, क्या 5 के पहाड़े में 5 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब पहला जोड़ो तो मुझे 1 मिल चुका। चलो जी अगले 5 की बात करता हूं मैं। देखो अगला 5 ये रहा मेरे भाई, इधर वाले नंबर के पहाड़े में आना नहीं चाहिए भैया। ये तो आता है 5 के 5 एकम 5, 5 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये जोड़ा तो नहीं बनेगा। चलो जी अगले पे बात करते हैं मेरे भाई। ये आया आपका 5। चलो जी इस वाले में देखो, ये तो इसके 2 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन इधर जो नंबर आना चाहिए उससे कटना चाहिए। भैया 8 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता तो यहां भी आपका खेल खत्म मेरे भाई।
चलो जी आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पे आपके चलते हैं इधर वाले नंबर के पहाड़े में आपका जो है पांच नहीं आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए मेरे भाई। एक के से, एक से तो सब कट जाते हैं मेरे भाई, एक से तो सब कट जाते हैं भैया। एक के पहाड़े में एक पंजे पांच, तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा भी मेरे भाई नहीं बनेगा, ये वाला जोड़ा भी नहीं बनेगा मेरे भाई। चलो जी अगला जोड़ा चेक करूं, अगर मैं यहां पर पांच, इससे पहले नंबर के जो भी आएगा उसमें पांच का पांच से नहीं कटना चाहिए मेरे भाई। आप देखो पांच के पाड़े में पांच आता है मेरे भाई, ये भी जोड़ा नहीं बनेगा। ये दो वालों आपने कौन सी, तो आपने कौन सी महादेव की तीसरी आंख से देखा है भाई, महादेव की तीसरी आंख खोल ली क्या आपने? जो आपका आंसर दो आ रहा है मेरे भाई, करेक्ट आंसर एक होगा मेरे भाई। इससे जो ना इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में मेरे भाई 99% बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? उसका मेन रीजन है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। उन्हें इतनी जल्दबाजी होती है, इतना हबड़ा दबड़ी में वो क्वेश्चन पेपर करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। जैसे अभी हमारे कुछ बहन भाइयों ने आंसर कर दिया दो मेरे भाई, दो आपने महादेव की कौन सी तीसरी वाली आंख से देखा, जो आपका आंसर दो आया, मेरा तो एक आ रहा, जिनका एक आ रहा है मेरे भाई वो सारे करेक्ट। तो देख लो इतना लड्डू क्वेश्चन भी आपने गलत बना दिया मेरे भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और कब आया मेरे भाई, ये आया आपका यूपी पुलिस 2018 में। चलें बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। भाई अगर डी से देखा जाए तो गांव किस दिशा में, आप मुझे बताओ गांव किस दिशा में है, आप मुझे ये बता दो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। चलो बताए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। चले देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो एक आपको जो है दिशा और दूरी की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए। देखो ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण, इधर आपकी ये पूर्व दिशा होती है और इधर आपका होता है मेरे पश्चिम, मतलब कि ऊपर नॉर्थ नीचे आपका साउथ, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। चलो जी जैसे जैसे कह रहा है ना मेरे भाई, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते मेरे। चलो जी इसने कहा गांव ए जो है, गांव ए जो है वो कहां पे है मेरे भाई, बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में गांव ए है मेरे भाई। आप मैंने मान लिया अब गांव बी मैंने यहां बैठा लिया, और इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में कौन है, ए है भाई। पश्चिम यहां से देखो पश्चिम दिशा किधर होती है, वेस्ट किधर है मेरे भाई, इस हाथ पे होता है वेस्ट। तो यहां पर आप देखो यहां पर खड़े हो, और पश्चिम किधर होगा, इसका होगा इधर मेरे भाई। तो इसका मतलब आपका ए जो है मेरे भाई, ए जो है बी के वेस्ट में है मेरे भाई, वेस्ट में। तो इसका मतलब आपका ये ए यहां हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे इसने क्या कहा, आगे इसने कहा जो गांव सी के दक्षिण में। देखो जब भी कहीं पे आपका जो या जब भी कहीं पे इंग्लिश में हु वर्ड आ जाए, आपका हिंदी में जो या हु मेरे भाई, विच या हु मेरे भाई, ये दोनों में से कोई सा भी आ जाए, तो उसको उस लाइन का रिलेशन, उस वाली लाइन का संबंध उससे जस्ट पहले आने वाले व्यक्ति या आने वाले व्यक्ति या आने वाले अक्षर के साथ होता है। तो यहां पर जो जो शब्द आया, विच जो शब्द आया, हु जो शब्द आया है, वो किसके लिए आया मेरे भाई, बी के लिए। तो इस लाइन को अब ऐसा पढ़ो, बी जो है वो सी के दक्षिण में है, बी जो है कहां बैठा है, सी के दक्षिण में। दक्षिण क्या होता है, नीचे। इसका मतलब बी कहां बैठा है, सी के जस्ट नीचे बैठा है। तो इसका मतलब सी कहां बैठेगा मेरे, सी यहां बैठेगा, और इसका दक्षिण, दक्षिण कहां होता है, साउथ होता है मेरे भाई, नीचे की तरफ। तो आपका जो है बी कहां बैठा है, सी के दक्षिण में ऐसे बैठा है मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं, आगे इसने कहा फिर से मेरे भाई, जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के कहां पे मेरे भाई, पश्चिम में है, गांव डी के पश्चिम में है। चलो जी आपका जो है यहां पे फिर जो शब्द आया, जब भी जो विच हु आए, तो उस वाली लाइन का संबंध उससे जस्ट पहले आने वाले व्यक्ति या लेटर के साथ होता है। आप इस लाइन को ऐसे पढ़ो मेरे भाई, सी जो है वो कहां बैठा है, डी के पश्चिम में। भाई डी के पश्चिम में है मेरे भाई, अगर मैं डी को यहां बैठा लूं और यहां से चेक करो सी कहां बैठा है, भाई डी के पश्चिम में तो बैठा है। यहां पे बैठ के देखो इधर वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। पूरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। अब पूछा क्या था, सारा खेला है लैंग्वेज का मेरे भाई, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लो। इसने कहा गांव डी के सापेक्ष, अगर हम डी से देखें भाई, अगर डी वाले पॉइंट से देखें तो ए किस दिशा में है भाई, जिस भी पॉइंट से देखने को कहे मेरे भाई, जिस भी पॉइंट से देखने को कहे, उस वाले
वाले पॉइंट पे प्लस का सिंबल बना दो, डी वाले पॉइंट से देखने को कहा प्लस का सिंबल बना दो, और यहां से देखो ए किस दिशा में है मेरे भाई। ए जो है आपका इस वाली डायरेक्शन में मिल रहा है, ये वाली डायरेक्शन। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन? ये वाली डायरेक्शन में है मेरे भाई, ये वाली दिशा में है। और ये वाली दिशा किसके बीच है मेरे भाई? ये वाली दिशा आ रही है आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो मतलब कि साउथ वेस्ट, जिसका आंसर साउथ वेस्ट आ रहा है मेरे भाई, जिसका आंसर दक्षिण पश्चिम है, वो सारे करेक्ट हो। बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार थम्स का सिंबल दो मेरे सारे भाई, एक बार थम्स का सिंबल देना सारे के सारे, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आया ना मेरे भाई? एक बार थम्स का सिंबल कर दो सारे के सारे। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड वाला मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताओ, 8 का आंसर क्या होगा? तो इसने कहा उस बैंक का नाम का चयन करें जो शेष 3 विकल्प से अलग है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन में कोई ना कोई संबंध है, एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से अलग है। अलग वाला आपको बताना है कब आया, यूपी पुलिस 2018 में आया क्वेश्चन है, बताएं मेरे भाई इसका। सबका थम्स का सिंबल आ गया, वेरी गुड मेरे भाई, बताओ इसमें सबसे अलग कौन सा है, चले बताएं। देखो इसने कहा भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक, इसमें कौन सा बैंक सबसे अलग नजर आ रहा है? आंसर आना स्टार्ट हो गया, अगेन डी सर, क्या बात है भाई। देखो अगर मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, आपका ये गवर्नमेंट का बैंक है मेरे भाई, ये किसका बैंक है? गवर्नमेंट बैंक है मेरे भाई, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है ये वाला आपका जो है, गवर्नमेंट बैंक है मेरे भाई। और ये वाला भी कैनरा भी आपका जो है सरकारी बैंक है, ये वाला भी सरकारी बैंक है मेरे भाई। अगर मैं पंजाब नेशनल की बात करूं तो ये वाला भी आपका सरकारी बैंक है मेरे भाई। ये ऊपर के 3 जो है गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, जबकि फेडरल बैंक मेरे भाई एक आपका प्राइवेट बैंक है। फेडरल कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। तो ऊपर में 3 रिलेशन ये है कि तीनों के तीनों सरकारी बैंक है, जबकि फेडरल मेरे भाई आपका जो है कौन सा बैंक है मेरे भाई? प्राइवेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई डी। देखो अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में आपके मॉडरेट एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं, और एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरी जो क्लास है, मेरा जो कंटेंट है मिक्सचर कंटेंट है, ठीक है? इसमें आपको एवरेज क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है मॉडरेट भी मिलेंगे, और इसमें जो है आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और मेरा मेन टारगेट है कि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग का जितना पोर्शन है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही पोर्शन एक ऐसा है जो बाकी बच्चों से आपको आगे ले जाता है। तो एक बात बताओ, ए से बी कैसे बना, ए से बी कैसे बना, बी से सी कैसे बना, सी से डी कैसे बना, यहां पर क्या आएगा मेरे भाई? जिसने 4 दिन रीजनिंग पढ़ी होगी, जिसने रीजनिंग 4 दिन भी पढ़ी होगी, वो भी ऐसे क्वेश्चन बना लेगा। आप बच्चों से आगे कैसे निकलोगे? जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप वे वाले क्वेश्चन बना के आ जाओगे तो मेरे भाई आप उनसे ऐसे आगे निकल जाओगे। तो मेरा मेन टारगेट क्या है इस क्लास का, कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए, आपको एनालिटिकल रीजनिंग जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी मेरे सेशन में जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है? लड्डू लड्डू पढ़ा के जो ना मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे अपने आप पे ब्लेम नहीं लेना कि कल को आप कहो कि निखिल भाई ने पढ़ाया था और हमारा कुछ भला ही नहीं हुआ, ठीक है? तो मेरे भाई इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। आपके सामने एक सीरीज है, श्रृंखला में लुप्त संख्या एक्स और वाई है भाई, एक्स और वाई का हमें मान नहीं पता। आपसे कहा क्या है, ज्ञात करो कि वाई अपॉन एक्स का मान क्या होगा। आप मुझे बताएं ए बी सी डी, कब आया क्वेश्चन मेरे भाई? ये आया यूपीएसआई मेरे भाई, यूपीएसआई 2018 वाला, ठीक है? 2018 नहीं होगा, 17 होगा मेरे भाई, सॉरी 17 में हुआ था एक एग्जाम, 17 होगा मेरे भाई, 38 18 लिख जाओ। यूपीएसआई का क्वेश्चन है मेरे भाई, यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2018 17 में आया मेरे भाई। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो यहां पे हर सीरीज बच्चे क्या करते हैं, हर सीरीज को ऐसे बनाते हैं मेरे भाई गैप से बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। हर क्वेश्चन गैप से नहीं बनता। देखो एक बात मेरी छोटी छोटी मगर मोटी बात ये करते हैं आप और हम मिलके, अगर आपकी सीरीज में स्टार्टिंग में गैप छोटा हो लेकिन बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जाते जाते गैप अचानक से बूम हो, मतलब कि बढ़ जाए, तो 99% उसमें मेरे भाई गुणा का लॉजिक लगता है। जैसे आप देखो 10 से 10 छोटा गैप, 10 से 20 छोटा गैप, आप देखो 240 से 1200 गैप मेरे भाई, एकदम से 200 से 1200 बन गया, 1000 बढ़ गया, जब भी इतना बड़ा
गैप आए आपके माइंड में आना चाहिए यहां पे गुणा का लॉजिक लगाऊंगा मेरे भाई कुछ ना कुछ। तो देखो जैसी आपके माइंड में इनटू का लॉजिक आया तो यहां पे गुणा का लॉजिक लगा के देखो 10 से 10 कैसे बनेगा, गुणा करने पे 10 एकम 10, 10 से 20 कैसे बना आपका 10 दूनी 20, और सीक्वेंस चेक करो सीक्वेंस क्या चल रहा है मेरे, सीक्वेंस चल रहा है पहले 1 से गुणा फिर 2 से, तो अगले नंबर पे जाना तो किससे गुणा कर दो मेरे भाई 3 से, तो यहां पे 3 से गुणा करोगे 20 दिया क्या आया मेरे 20 दिया 60। चलो जी अगले नंबर पे जाओगे 4 से गुणा करोगे तो यहां पे देखो 60 चौका 240, 60 चौका मेरे भाई 240 भाई। अगले नंबर पे जाओगे आप क्या काम करोगे 5 से गुणा करोगे, किससे 5 से गुणा करोगे, और अब अगले नंबर पे जाओगे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी 6 से मेरे भाई, तो यहां पे क्या आया y की जगह आएगा 1200 और गुणा आपका 6, तो y का मान तो मेरे ये हुआ और ये मान हुआ x का। आपसे पूछा क्या मेरे भाई, जिनका 60 आ रहा है सारे गलत हो 60 वालों, जिनका 60 आ रहा है वो 60 वाले सारे गलत हो। आपसे पूछा था y अपॉन x मेरे भाई, y अपॉन x पूछा, y का मान अभी हमने निकाला 1200 गुणा क्या मेरे भाई, y का मान है 1200 गुणा 6, और नीचे किसका मान रखोगे x का, x का मान क्या है मेरे भाई, x का मान है 60। अब देखो जो चीज कटती है उसे काट लो, e0 से ये 0 गई, 6 से मेरे भाई 6 गया, क्या बचा मेरे भाई आपका सिर्फ बचा 120। ये 480 वालों आपने कौन सा लॉजिक लगा दिया मेरे भाई, 480 वालों आपने कौन सा जो ना लॉजिक लगाया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिनका बी आंसर आ रहा है वो सारे करेक्ट हो मेरे भाई। ध्यान से क्वेश्चन को बना लो, देखो हर क्वेश्चन सीरीज का आपका गैप से नहीं बनता, जब भी आपका जो है गैप थोड़ा थोड़ा बढ़े, लेकिन अचानक तक जब आप पास पहुंचो सीरीज के लास्ट में पहुंचो अचानक से गैप बहुत बड़ा दिखाई दे तो वहां पे 99% गुणा का लॉजिक होता है मेरे भाई। क्लियर है, अगर थम्स का सिंबल दो, चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे भाई एनालिटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनालिटिकल रीजनिंग, और इसका आंसर आप मुझे दो, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा बता इस आंसर, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। इसने कहा कथन स्टेटमेंट के ही, इसने राज्य विधानसभा के चुनाव में से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ, कार्यवाही क्या करनी चाहिए। आपकी पहली कार्यवाही यह है कि उम्मीदवार को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। सेकंड कार्यवाही यह है मेरे भाई, सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही। क्या चैप्टर का नाम है इसका, इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई कथन और कार्यवाही। कथन और कार्यवाही या इंग्लिश में से बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। इस चैप्टर का नाम है एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखो इस चैप्टर में करोगे क्या, इस चैप्टर में करना क्या होता है, देखो आपका कथन और कार्यवाही कोर्स और एक्शन में आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। अब उस समस्या का समाधान आपसे कराना चाहता है मेरे भाई, आप में यह जज करना चाहता है एग्जामिनर, कल को अगर आप जो है कांस्टेबल या दरोगा बन गए मेरे भाई, कल को आप जो बनने हो, कल को अगर आप कांस्टेबल या दरोगा बन गए और आपके सामने अचानक से एक समस्या उत्पन्न हुई तो आप एट ए टाइम क्या डिसीजन लोगे। आपका डिसीजन जो है वो जज वो जो है जांचने की कोशिश करता है इस वाले चैप्टर के थ्रू कि आपका डिसीजन सही होगा या रोंग होगा। देखो जब भी आपके सामने मेरे भाई कथन और कार्यवाही मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आए, आपके सामने जो भी समस्या दी होगी उस समस्या को आप रियल लाइफ से जोड़कर देखोगे, मतलब कि वास्तविक जीवन से जोड़ के देखोगे, और वास्तविक जीवन में अगर उस समस्या का समाधान जो कथन में दिया है, अगर उस समस्या का समाधान जो है, अगर उस समस्या का समाधान रियल लाइफ में उसी तरीके से होता है जिस तरीके से दिया है तो वो आपका जो है कार्यवाही मतलब कि एक्शन सही होगा, अदरवाइज वो वाला आपका गलत होगा। सबसे पहले समस्या ये थी कि राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे और अक्टूबर में होने थे, लेकिन भारी वर्षा के कारण क्या हुआ जिससे राज्य के अधिकांश भागों में फसलों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। भैया बारिश के कारण एक तो चुनाव होने थे और एक आपकी फसलों को नुकसान हो गया। अब पहला एक्शन आपको क्या लेना चाहिए भैया, आपको क्या यह कर देना चाहिए कि उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा था उसको प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है मेरे भाई, क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है
कि कभी बरसात के कारण, कभी बारिश के कारण चुनाव वाले, चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिए हो। क्या होता है, क्या ऐसा भाई, क्या चुनाव आयोग रद्द कर देगा? इतना इंपॉर्टेंट इंसान इस धरती पे कोई नहीं है कि चुनाव लड़ रहा हो और बारिश हो गई हो और उसका प्रचार हुआ ना हो और गवर्नमेंट क्या कर दिया हो, चुनाव आयोग ने उसका जो है भैया आपका जो है आपका स्थगित कर दिया। ये तो रियल लाइफ में कभी संभव ही नहीं है, ऐसा ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, तो ये तो वो आपका गलत। सेकंड वाला, सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। भाई जिनकी फसल जो है बर्बाद हुई है उनके लिए राहत पैकेज देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट रियल लाइफ में ऐसा करती है? आप कहोगे सर बिल्कुल करती है। भाई गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रियल लाइफ में बिल्कुल जी, जिनका नुकसान हुआ है, जिन किसानों का उसका नुकसान हुआ है, उन किसानों का क्या करती है मेरे भाई, भरपाई का काम करती है। वास्तविक जीवन में ये नहीं करती। आप क्या सर करती है तो मेरे भाई जो वास्तविक जीवन में संभव होगा, जिस समस्या का समाधान वास्तविक जीवन में हो सकता है तो वो आपका राइट होगा, और जो नहीं हो सकता वो गलत होगा। तो यहां पे आपका जिनका ऑप्शन नंबर बी है, जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो सारे करेक्ट, मेरे भाई वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा आपका मेरे भाई? आपके सामने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आज के टाइम में मेरे भाई अगर मेरे से पूछोगे ना, सबसे ट्रेंडिंग दौर है इनइक्वालिटी का। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इनइक्वालिटी के, और इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा? कब आया मेरे भाई? यूपी पुलिस आपका दरोगा 2 स्टार वाले क्वेश्चन में आया, 2 स्टार वाले एग्जाम में आया 2017 में। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर आता है मेरे भाई, विदाउट कॉपी पेन। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो जब भी आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए, आपका पहला ध्यान जाना चाहिए निष्कर्ष में। मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर आएगा और वो आना चाहिए विदाउट कॉपी पेन। कॉपी पेन का यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में भाई। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले निष्कर्ष देखो, किसके भी संबंध पूछ रहा, आपका पूछा एस और एन। अब देखो आपकी जो स्टेटमेंट में है उसमें एस का है, एस मेरे भाई ये रहा और एन ये रहा, तो आपको जाना कहां है, यहां ऐसे जाना है मेरे भाई। अब मुझे बता दो जब आप एस से एन पे गए आपने कौन कौन से बीच में सिंबलों का यूज किया? एक तो ये मेरे भाई छोटे वाला, और दूसरा आपने छोटा और बड़ा है। अब मेरे भाई आप छोटी फैमिली के सदस्यों के बारे में सुनो, देखो ये आपका छोटी फैमिली का सदस्य होता है मेरे भाई, ये वाला छोटी फैमिली का सदस्य है और ये वाला भी। देखो जिसकी साइड नो कोना ये वाला, इसका मतलब वो छोटा है मेरे भाई। अगर कभी भी ये तीनों सिंबल एक साथ आ जाए या इनमें से कोई 2 सिंबल एक साथ आ जाए तो आपकी प्राथमिकता हमेशा ऊपर से नीचे होनी चाहिए, प्रेफरेंस ऊपर से नीचे होनी चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से सिंबल आया मेरे भाई? आप कहोगे सर इन दोनों में ये वाले सिंबल आए, तो प्राथमिकता जब ऊपर से नीचे होगी तो इस वाले को आप प्रेफरेंस दोगे, इस वाले को प्राथमिकता दोगे, तो यहां पे आपका एस और एन के बीच कौन सा चिन्ह आएगा? ये छोटा वाला आएगा। क्या यही आ रहा है मेरे भाई? क्या यही आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आ रहा है, तो पहला वाला तो सही होगा, सिंपल भाई मेरे भाई। चलो जी अगले पे चलते हैं। अगला आपका रिलेशन किसके बारे में? अगला रिलेशन मेरे भाई आपका जो पूछा है, अगला रिलेशन पूछा है डी और ए। डी मेरे भाई ये रहा और ए मेरे भाई ये रहा। अब आपको चलना मेरे भाई ऐसे, जब आप ऐसे चलोगे मेरे भाई तो इधर एक रिलेशन लिख दे, तो इधर सबसे पहला आएगा मेरे भाई डी। डी से आप कहां जाओगे? आप इधर जा रहे हो इस पे, तो देखो डी के साइड ये फेस क्या है, खुला हुआ है। इस वाले चिन्ह को कैसे लिखोगे? खुला होना चाहिए, पलट जाएगा चिन्ह मेरे भाई। चलो जी आगे जाओगे फिर मेरे भाई एन पे, तो यहां पे आया मेरे भाई एन। फिर एन से देखोगे आप इस पे जाओगे और यहां पे देखो एन की साइड फेस खुला है, तो आप इस चिन्ह को ऐसे लगाओगे। फिर आगे जाओगे मेरे भाई ए पे, तो आप ए पे पहुंच गए मेरे भाई, आपने ये यूज किया। अब देखो यहां पे ये बड़ी फैमिली के सदस्य हैं, कौन कौन से? ये और ये बड़ी फैमिली का। इसमें भी वही रूल लगता है, अगर तीनों चिन्ह एक साथ आ जाएं मेरे भाई तो आपको करना क्या है, बोथ राइट वालों इधर आ जाओ। तीनों चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ प्राथमिकता देते हो। अगर मेरे भाई आपके जो है तीनों की जगह 2 चिन्ह एक साथ आ जाएं तो आपके जैसे यहां पर ये और ये एक साथ आया भैया, ये दोनों ही तो है, तो आप प्राथमिकता किसको दोगे? ऊपर वाले को। इसको दोगे तो आपका यहां से डी से ए के बीच जो चिन्ह लगाओगे, आप लगाओगे ये डी बड़ा होगा ए से, और यहां चिन्ह क्या है, बड़ा और बराबर है मेरे भाई, बड़ा और बराबर है। ये आपका क्या हुआ, रोंग हो गया मेरे भाई, ये रोंग हो गया। जिनका आंसर ओनली वन आया, जिनका आंसर ओनली वन आया वो सारे करेक्ट। तो बस मेरे भाई ये याद रखना, ये छोटी फैमिली ये बड़ी फैमिली, ठीक है? अगर आप प्राथमिकता कैसे देते हो, ऊपर से नीचे। अगर तीनों चिन्ह एक साथ आ रहे हो तब ऊपर वाले को, तीनों चिन्ह आ रहे एक ऊपर वाले को, 2 चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ मेरे भाई। सिंपल है बिल्कुल, कुछ
कुछ भी लॉजिक नहीं है मेरे भाई, कुछ भी लॉजिक नहीं है। समझ में आया मेरे भाई? क्वेश्चन 11 समझ में आया? एक बार थम्स का सिंबल करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चले क्वेश्चन नंबर 12 है, चले बताएं मेरे भाई। मेरे भाई आपके सामने सिलोजिम का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। 150 मेथड लगाओ और विदाउट कॉपी पेन, विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई। कॉपी पेन का यूज नहीं होना चाहिए, ना इनइक्वालिटी में और ना ही मेरे भाई इस क्वेश्चन में। चले बताएं कब आया क्वेश्चन मेरे भाई? यूपी पुलिस 2018 में आया। कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना इसमें, बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप जैसे इनइक्वालिटी में देखते हो ना रिलेशन संबंध, सेम आप निष्कर्ष में देखो संबंध लड़कियां और आलसी। अब देखो लड़कियां कहां है और आलसी कहां है? लड़कियां आपकी येरी, आलसी येरी। पहली स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में कहीं पर नहीं या नो शब्द नहीं है, इसलिए पॉजिटिव। और दूसरी क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब यह है मेरे भाई आपका नहीं आया या नो आया तो नेगेटिव। अब देखो अलग अलग स्टेटमेंट में हो तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ता है, जोड़ने के लिए कॉमन शब्द चाहिए। कॉमन यहां पर लड़का और लड़का, कॉमन में से एक के पास 100 होना चाहिए तभी स्टेटमेंट जुड़ेंगी। जिस भी शब्द के साथ कोई या नो है उसके पास 100, इसका मतलब स्टेटमेंट जुड़ेंगी। और जब स्टेटमेंट जुड़ेंगी तो प्लस माइनस क्या होता है मेरे? प्लस माइनस आपका माइनस। तो जो बच गया यहां पे क्या बचा? लड़की और आलसी। लड़की और आलसी में जो रिलेशन बनना चाहिए वो मेरे नेगेटिव बनना चाहिए, जबकि यहां पर निष्कर्ष में आपका जो है आपका यह रिलेशन पॉजिटिव बन रहा है। लड़की और आपका, लड़कियां और आलसी में तो मेरे नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए, तो यह तो गलत हो गया। चलो जी दूसरे वाला नेगेटिव बन रहा है, बस इसमें 150 डालो और क्वेश्चन को बना दो। जिस भी शब्द के साथ मेरे भाई कुछ आए या समय 50, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो दूसरे शब्द के पास मेरे भाई 100। चलो जी इसमें सेम लगाते हैं मेरे भाई, जिस भी शब्द के साथ कुछ या समय उसके पास 50, अगर मेरे भाई स्टेटमेंट नेगेटिव या निष्कर्ष नेगेटिव तो दूसरे शब्द के पास 100। अब स्टेटमेंट वाले नंबर इससे मैच करने चाहिए मेरे भाई, स्टेटमेंट वाले नंबर मैच करने चाहिए। यहां पर लड़की के पास 50, यहां भी 50, यहां पे आलसी 100, यहां भी 100, नंबर मैच हो गए। अगर नंबर मैच होगी तो मेरे भाई करेक्ट आंसर है। तो यहां पे आपका क्या होगा? आपका मेरे भाई यहां पे सेकंड ऑप्शन नंबर डी, जिनका डी आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। देखो मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन नहीं है, मैंने इनइक्वालिटी भी कराया हुआ है और मैंने 150 मेथड से ये वाला मेथड भी बताया हुआ है। आपको करना यह है, जिन्होंने ये वाला मेथड नहीं पढ़ा वो आज ना यूट्यूब पे रीजनिंग बाय निखिल शर्मा डालेंगे तो उसमें आपको जो है इनइक्वालिटी का चैप्टर भी दिख जाएगा और आपको 150 मेथड वाला चैप्टर भी मिल जाएगा। मेरे दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। इनइक्वालिटी आपका 1 से 1.25 घंटे का चैप्टर है और आपका जो है 150 मेथड 2 घंटे का चैप्टर पढ़ाया है, तो आप वहां से कर लेना मेरे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई? इसने कहा 18 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 8:13 था, उनकी आयु का वर्तमान आयु वर्तमान अनुपात कितना मेरे भाई? 5:7 है। तो आपसे पूछा एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी? आपका यूपीएसआई 2021, भैया यूपीएसआई 2021 में आपका मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन आया था एज वाला, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा? चले मेरे पूर्वलोकन जो है ना वो आपका किसका है मेरे भाई? वो अजम्पशन है, अनुमान वाला। वो अभी कल कराया था मैंने क्वेश्चन ऐसा, कल या परसों कराया था। मैं लेके आऊंगा 2 क्वेश्चन डेली एनालिटिकल रीजनिंग के लेकर आऊंगा मेरे भाई, इसका आंसर बताओ। देखो जब भी आपका एज वाला क्वेश्चन है, देखो पहले चीज क्या होती है, पहली जो बीत चुकी, आज जो हमारा चल रहा है और भविष्य आने वाला। तो सबसे पहले जब भी एज का क्वेश्चन आए, अगर हमारे पहले की जो बात हुई, सबसे पहले हम पहले वाले पे फोकस करेंगे। भैया इसने कहा 18 साल पहले, भैया 18 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 18 साल पहले तो एक्स और वाई का अनुपात कितना था? 8:13 था। अगर मैं आज की बात करूं, टुडे की मेरे भाई, आज की अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई का अनुपात जो है मेरे भाई, एक्स और वाई का अनुपात है 5:7। सबसे पहले आपको ये दोनों अनुपात बराबर करने हैं। बराबर का मतलब गैप बराबर होना चाहिए मेरे भाई। देखो 8 से 5 पे जाओगे 3 कम हुआ, 13 से 7 पे गए यहां पर 5 कम हुआ, इधर आपका 3 का गैप, इधर 5 का, मेरे भाई गैप बराबर नहीं है। तो सबसे पहले गैप बराबर कर लो। गैप बराबर करने के लिए क्या करते हैं?
नीचे वाले जो नंबर हैं इनमें जितने का अंतर है, इनमें जितने का डिफरेंस है उसकी गुणा ऊपर कर दो, और ऊपर जितने का अंतर है उसकी गुणा नीचे कर दो मेरे भाई। ठीक है, चलो जी सबसे पहले देखो, सात और पांच, सात में से पांच गया दो, नीचे दो का अंतर तो ऊपर किसकी गुणा कर दो मेरे भाई, दो की। चलो जी आप किसकी गुणा कर दो मेरे भाई, आप करोगे दो की। आप देखो नीचे कितने का ऊपर कितने का अंतर, तेरह में से आठ गए पांच का अंतर, तो नीचे किसकी गुणा करोगे मेरे भाई, आप पांच की गुणा। ठीक है, अब यहां से नया रेशो बनेगा मेरे भाई। चलो जी यहां से नया रेशो बना लेते, क्या रेशो बनेगा, पहले में दो से गुणा करो, दो अट्ठे क्या हुआ सोलह मेरे भाई, अगले में देखो आगे चलो, आपका दो कई तेरह से करी, तेरह दूनी छब्बीस। चलो जी अगला चलते हैं, दूसरे वाला रेशो नया बनाओ, पांच पूरे आपका पच्चीस, और पांच की सात से करी पांच सत्ते आपका क्या हुआ मेरे भाई पैंतीस, क्या हुआ पैंतीस। अब गैप देखो बराबर हुआ, तो अगर मैं यहां पर अट्ठारह साल पहले आपकी एक्स की एज सोलह थी, तो आज कितनी है भाई, सोलह से आगे कितने गए, आप कहोगे सर नौ बढ़े, यहां पे भी आप क्या बढ़े, यहां पे भी नौ बढ़े, तो हम जो है 18 साल पहले से आज पे आने के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है 18 साल पहले से आज पे आने के लिए अपने अकॉर्डिंग नौ बढ़े, और इसके अकॉर्डिंग देखो कितने बढ़े भाई, अगर ये 18 साल पहले से आज पे आना चाहता है तो ये आगे कितना बढ़ेगा मेरे भाई 18, तो मैं जहां नौ बढ़ा ये बढ़ रहा भैया मेरे अकॉर्डिंग मैं नौ बढ़ रहा हूं और ये बढ़ रहा है 18, तो एक बराबर ये ऊपर ये नीचे जाएगा, तो यहां से देखो एक की वैल्यू आ जाएगी आपका नौ दूनी 18, एक बराबर क्या आ गया मेरे भाई दो आ गया। पूछा क्या है एक्स की वर्तमान आयु, जब आप नया रेशो बनाते हो ना मेरे भाई, तो पुराने वाले रेशो से आपका कोई नाता नहीं है, आपकी एक्स की वर्तमान आयु ये वाला पूछ रहा है मेरे भाई, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या थी मेरे भाई 25, तो 25 की वैल्यू पूछी है, तो 25 बराबर क्या होगा जो एक की वैल्यू आई है, जो एक का मान आया उसमें गुणा कर दो मेरे भाई, एक का मान दो था तो दो गुणा 25 करोगे, 25 दुनी क्या हुआ 50, 25 दुनी क्या हो गया मेरे भाई 50, जिनका आंसर 50 है ऑप्शन नंबर सी वो सारे के सारे करेक्ट मेरे भाई, वेरी गुड बहुत अच्छा, जिनका आंसर 50 है वो सारे के सारे करेक्ट मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इसका आंसर आप मुझे बताओ, क्यूब वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, घन वाला, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है, आगे का फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कम से कम दो फलक पेंट हो। मेरे ध्यान से देखना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना। इसने कहा ऐसे कितने आपके टोटल घन होंगे जिनकी कम से कम दो सरफेस कलर है, कम से कम दो फलक आपकी पेंट है मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा, ए बी सी डी। तो यहां पर कंडीशन लगा के दी, इसने कहा कम से कम दो, इसका मतलब कम से कम दो तो चाहिए चाहिए, अगर उससे ऊपर भी मिल जाए तो हमारा फायदा, इससे ऊपर भी अगर सरफेस रंगीन अगर हमें मिल जाए तो मेरे भाई आप उसे लोगे, इस कंडीशन का मतलब ये है मेरे भाई, कम से कम दो का है भाई, दो तो होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं आप जो है ना मूवी देखने जा रहे हो, तो मूवी का जो टिकट है वो टिकट है आपका मेरे भाई, आपका जो है 50 रुपए, और आपके पास दो व्यक्ति मूवी देखने गए, एक के पास 50 है और एक के पास 100 है, तो एंट्री मेरे भाई दोनों को मिलेगी, 100 वाले को मिलेगी, क्यों, कम से कम मेरे भाई उसके पास 50 रुपए हैं, और 50 वाले को मिलेगी क्योंकि 50 रुपए का टिकट है। तो अगर ज्यादा वैल्यू आ जाती है, अगर उससे जो कंडीशन है उससे ज्यादा हमें मिल जाए तो हमारा फायदा है, तो यहां कम से कम दो का मतलब है भैया दो सतह तो आपको लेनी है, दो सतह वाला तो आपको लेना लेना है, और साथ ही साथ उसको भी लेना है जो आपकी तीन सतह रंगीन होती है, भैया टू सरफेस और तीन सरफेस वाला दोनों लेने हैं आपको यहां कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे भाई। चलो यहां पर देखो आपका क्या है, दो सतह, जब भी दो सतह रंगीन कहे ना मेरे भाई, टू सरफेस कलर कहे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो 12n-2, क्या होता है 12n-2 प्लस, याद रखना जब भी आपसे पूछे तीन सतह रंगीन थ्री सरफेस कलर, तो डायरेक्ट याद कर लो तीन सतह रंगीन हमेशा कितने ऐसे घन है जिनकी तीन सतह रंगीन होती है, डायरेक्ट आठ होते हैं ऐसे, तो आपको मेरे भाई आपको यह चाहिए 12n-2 और प्लस 8 होगा। अब हमारा मेन टारगेट होगा एन की वैल्यू हम निकालने, चलो जी एन की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो देखो यहां से मेरे भाई n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, n बराबर बड़े वाला जो क्यूब है उसकी भुजा, बड़े घन की भुजा,
और अपोन आपका मेरे भाई छोटे घन की भुजा, अपोन छोटे घन की भुजा मेरे भाई, एन की वैल्यू निकालो, एन बराबर बड़े घन की भुजा 125 और छोटे वाला कितने का मेरे भाई 25, तो 25 पंजे आपका क्या हुआ 125, तो यहां पे एन बराबर क्या आ गया मेरे भाई, एन बराबर 5 आ गया, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले में लिख दो बस, यहां पे इस वाला फॉर्मूला कहता 12, एन की जगह क्या रखोगे मेरे भाई 5 और माइनस 2 बराबर क्या होगा मेरे भाई 12 और 5 में से 2 गया क्या बचा 3, अगर कोई दो नंबर एक साथ हो ना मेरे भाई तो के बीच में गुणा का निशान होता है, 12 गुणा 3 करोगे और 12 तिया 36, तो यहां पे आपका इस वाले फॉर्मूले से कितना बना मेरे भाई, इस वाले फॉर्मूले से 36 और प्लस आपका 8 और 36 और 8 क्या हुआ मेरे भाई 44, 36 और 8 क्या बना 44, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका सी आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट, तो चलो आगे चलते मेरे भाई करेक्ट है सारे के सारे, वेरी गुड मेरे भाई, सिंपल क्या है कम से कम 2 कहा था तो कम से कम का मतलब उतनी तो चीज होनी चाहिए और उससे ज्यादा अगर मिल रही है उससे ज्यादा भैया आपकी एक सतह रंगीन होती है, 2 होती है और 3 होती है, सिर्फ ये होता है, तो एक तो आप ले ही नहीं सकते, इसने कहा था कम से कम 2 तो हम 2 वाली लेंगे और 3 वाली लेंगे। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है इनपुट आउटपुट, हां जी बिल्कुल इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ना लाया हूं मैं आपके लिए, लाया हूं मेरे भाई वेट करो बस थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई आपका 15 है मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, कब आया मेरे भाई आपका पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया, चलें बताएं क्या होगा, इसने कहा दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है, आपके सामने एक डायग्राम दिया है या आपके सामने एक आकृति दी है, आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि इसमें आपको क्या है मेरे भाई, इसमें आपको यह बताना है कितनी लाइन है ए बी सी डी, देखो जब भी लाइन पूछे रेखा पूछे, लाइन तीन टाइप की होती है, पहली लाइन को हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज रेखा, क्या बोला जाता है क्षैतिज रेखा, या इंग्लिश में बोला जाता है इसे मेरे भाई आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और यह लाइन कैसी होती है पड़ी हुई लाइन मेरे भाई, ऐसी लाइन को आप क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल बोलते हो, दूसरी लाइन का नाम है मेरे भाई ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरी लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, जिसको आपका क्या है बिल्कुल खड़ी हुई लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और तीसरी लाइन जो होती है उसको आप बोलते हो तिरछी रेखा, जिसको आप जो है इंग्लिश में आप बोलते हो स्लांट लाइन, क्या स्लांट लाइन, और ये कैसी लाइन होती है ये ऐसी वाली मेरे भाई, आप अलग अलग करके लाइन गिनो ये तीनों अलग अलग करके, अगर अलग अलग करके गिनोगे तो आंसर जल्दी आएगा मेरे भाई, अगर आप अदरवाइज आप ना इसमें कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले पड़ी हुई लाइन देखते हैं कितनी मेरे भाई, देखो एक पड़ी हुई लाइन आपकी ये रही, एक पड़ी हुई लाइन ये रही 2, एक पड़ी हुई लाइन ये रही 3, एक पड़ी हुई लाइन आपकी ये रही 4, तो कितनी लाइन है पड़ी हुई लाइन आपकी मेरे भाई 4, पड़ी हुई लाइन यहां पर लिख देता हूं कितनी है मेरे भाई 4। चलो जी अब देखो ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन का मतलब जो बिल्कुल खड़ी हुई लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मेरे भाई लंबी बिल्कुल, तो एक वर्टिकल ये रही और एक वर्टिकल मेरे भाई ये रही, बिल्कुल खड़ी हुई लाइन आपकी कितनी मेरे भाई 2, आपकी ये लाइन कितनी है 2। अब देखो तिरछी रेखा गिनो मेरे भाई तिरछी, आंसर आ रहा है 16, आंसर आ रहा है 16। चलो जी तिरछी रेखा गिनते हैं कितनी मेरे भाई, देखो एक तिरछी ये रेखा ये रही 1, 1 के बाद दूसरी आपकी ये रही 2, 2 के बाद तीसरी आपकी ये रही 3, 3 के बाद चौथी आपकी ये रही मेरे भाई 4, अभी तक 4 हुई हैं, 4 के बाद देखो आपका ये रही 4 के बाद एक 5, 5 के बाद आपका ये की रही 6, 6 के बाद आपका एक ये रही 7, 7 के बाद एक ये आपका ये रही 8, ठीक है 8 के बाद ये आपका ये रही 9, 9 के बाद आपका एक ये रही 10, यहां पे आपका क्या हुआ 10, यहां पे आपका क्या हो गया मेरे भाई 10, तो आपकी जो तिरछी रेखा है कितनी है 10। अब सारी लाइनों को जोड़ लो कितनी होगी 4 और 2 6, 6 और 10 क्या हुआ 16, मेरे करेक्ट आंसर जिनका 16 है, जिनका आंसर 16 आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो मेरे भाई। देखो लाइन वाला क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस एसआई में भी देखने को मिलता है, ज्यादातर काउंटिंग फिगर से लाइन वाला क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर 17 वालों कौन सा भैया, कौन सा जो है ना आपने कौन सी जो है अपनी दिव्य दृष्टि लगाई जो 17 बताया मेरे, जब भी लाइन का क्वेश्चन आए इन तीन लाइनों में बांट के क्वेश्चन को करना, इन तीन लाइनों में बांटोगे और फिर क्वेश्चन को बनाओगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसका आंसर देखो आपके सामने मेरे फिगर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सही नहीं था, कब आया क्वेश्चन है मेरे भाई यूपी पुलिस 2019 में, थोड़ा जूम कर देता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा जूम कर देता हूं,
अगर आपको नजर नहीं आ रहा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो जूम कर दिया। आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना ये है, आपको ये ढूंढना है, ये वाला डायग्राम जो है, ये वाली आकृति किस वाले आपको जो है ऑप्शन में नजर आ रही है, ए बी सी डी। चले आंसर करें किस ऑप्शन में ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है। चलो जी एक एक करके खोजते हैं मेरे भाई। पहले वाले में अगर मैं देखूं तो मेरे देखो ये डंडा मुझे मिला, ये वाला डंडा ये रहा। इसके बाद देखो आपका इधर है, बिल्कुल जी ये मिला। इसके बाद इस साइड अपोजिट में है, बिल्कुल मिला। इसके बाद ये सीधा डंडा, बिल्कुल। ऊपर की साइड ओपन है मेरे भाई, ये रहा। इसके बाद इधर भी ऊपर की साइड है, बिल्कुल जी पहला देखने पे मिल गया। जिनका आंसर ए आ रहा है, वो सारे के सारे करेक्ट हो मेरे भाई, सारे के सारे करेक्ट हो जिनका आंसर ए है। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, और ये क्वेश्चन है मशीनी इनपुट मेरे भाई, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 18 की, तो 18 के टाइम आपका ये क्वेश्चन ऐड नहीं था, ये चैप्टर ऐड नहीं था, लेकिन आज के टाइम मेरे भाई ये वाला चैप्टर आ चुका है। अगर मैं बात करूं यूपी कांस्टेबल में, तो पहले आता नहीं था लेकिन एसआई में आया था, इस बार कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा मशीनी इनपुट। और ये इनपुट का क्वेश्चन कब आया मेरे भाई, इनपुट का क्वेश्चन आया यूपीएसआई मेरे भाई दरोगा, आपका जो है डबल स्टार वाली जो वर्दी है उसमें आया मेरे भाई 13 तारीख 12वां महीना 2017 को मेरे भाई। इसका आंसर आम बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले घबराना नहीं है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि चीजों को आपको ये तो एग्जाम में आना है ना मेरे भाई, इसे जो है सीखने का बहुत बेस्ट तरीका है। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन होता ना उतना ही लप्पू सा क्वेश्चन होता है मेरे भाई। सिर्फ क्या करना है, देखो ये कैसा क्वेश्चन है उज्जवल गुप्ता साहब, हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको करना क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन है और इसके जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछता, इससे कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। यूपीएसआई में आया था और यूपीएसआई में आने के बाद इससे 3 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसके बाद आपका जो है ये पूछा था। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, एक से मैं आपको ना मुश्किल से 5 मिनट दे दो, मुझे 5 मिनट में समझा देता हूं मशीनी इनपुट होता क्या है। और सबसे देखो एक हफ्ता अगर आप मेरे साथ रह गए ना मेरे भाई, सबसे फेवरेट क्वेश्चन बना दूंगा इस वाले को, सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। देखो होता क्या है, जब भी मशीनी इनपुट का क्वेश्चन आए इसमें कोई सीक्वेंस छुपा होता है, इसमें कोई जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपने चैप्टर पढ़ाया ना उसमें जो है वो सेम रूल इसमें लगते हैं भैया, इसमें कुछ लॉजिक है और लॉजिक के थ्रू आपका लास्ट वाला स्टेप बना। सबसे पहले देखो इनपुट आपके पास था क्या, पिकोक 3 हैंड टोकन 6 7 crore 4। अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर आपका लास्ट स्टेप में क्या आया मेरे भाई, क्रो आया 4 आया, हैन 3 पिकोक 7 टोकन 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, आपने नोटिस करा जो क्रो वर्ड है इसमें कितने अक्षर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 भैया 4। इसका मतलब पहले वर्ड और उसके बाद में उसमें जितने लेटर, फिर अगले में देखो हैन में कितने लेटर है मेरे भाई, 1 2 3, यहां पे 3, पहले वर्ड और फिर उसमें जितने लेटर। आगे देखो पीकॉक इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, जितने अक्षर उतने नंबर, फिर आपका इसमें कितने अक्षर 6 उतने नंबर। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई मेरे भाई, एक बात तो समझ, हाँ जी सीजीएल सीजीएल मेंस में आता है मेरे भाई, सीजीएल मेंस में आता है। एक बात हमें समझ में आ चुकी मेरे भाई क्या, कि आपका पहले आएगा वर्ड उसके बाद उतने नंबर, जितने उसमें अक्षर होते हैं उतने नंबर। अब यहां से देखो हो क्या रहा है, देखो आपके सामने ले गया मेरे भाई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरे भाई पिकॉक ऐसे ही, इसके बाद नंबर सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, बाकी चीज सेम है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सीक्वेंस ये कह रहा है, हमने जो है वर्ड को उठा के आगे फिट कर दिया, वर्ड को उठा के आगे फिट कर दिया। और हमने लास्ट में ये भी सीक्वेंस चेक करा था कि भैया जो वर्ड देगा ना उसके बाद उसका क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, उसमें जितने अक्षर होते उतने नंबर। तो देखो क्रो में कितने अक्षर है मेरे भाई, क्रो में लेटर है 4, तो हमें 4 नंबर उठाना ऊपर से, भैया 4 नंबर है, भैया 4 नंबर है। देखो आगे वाले में क्या करोगे, क्रो में ऐसा ही ऐसा ये 4 नंबर उठाया, क्योंकि आपका क्रो में लेटर कितने 4, हमने जो है 4 आगे फिट कर दिया, ठीक है, हमने 4 आगे, बाकी मेरे भाई आपका पिकॉक 3 हैन टोकन 6 7 बाकी सेम। चलो जी आगे, आपका एक बार वर्ड और दूसरी बार आपने क्या उठा के लिया, नंबर, एक बार वर्ड उठा रहे हैं और एक बार मेरे भाई नंबर उठा रहे हैं। चलो जी अगले वाले में अगर मैं चेक करूं, देखो क्रो और 4 तो ऐसी, अगले वाले में फिर हम क्या उठाएंगे, देखो आपको एक चीज समझनी होगी, यहां पर नंबर क्या आ रहा 3, तो 3 नंबर पर क्या आता है, 3 किसमें हैन में, तो अगले वाले में नंबर आपका जो है वर्ड उठाओगे, ये वर्ड उठाया और वर्ड उठा के मैंने यहां लगा दिया भैया। इसके बाद पिकॉक 3
टोकन 6-7 सेम। अगले वाले में चलते मेरे भाई, अगले वाले में यहां पे आपका सेम। अगले वाले में क्या काम किया, हमें पता था जितने वर्ड है उसमें जितने अक्षर है ना मेरे भाई, जितने अक्षर है मेरे भाई, जितने अक्षर हैं उतने नंबर होने चाहिए। आपने क्या किया, हैन हैन ऐसी रहा, हैन में कितने अक्षर है, तीन, तो इसको उठा के आपने आगे। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक बार आपको वर्ड लेना, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। तो ये सीक्वेंस बन रहा है मेरे भाई, सीक्वेंस ये बन रहा है। तो सेम सीक्वेंस मेरे भाई, सेम सीक्वेंस आपको यहां लगाना है, इसमें सेम सीक्वेंस इसमें लगाना है, और इसमें लगा के ये बताना है कि इसमें कितने स्टेप बनेंगे, इसमें कितने स्टेप बनेंगे। सबसे ज्यादा देखो यहां से क्या हमने लॉजिक देखा था, हमने लॉजिक क्या देखा था भाई, लास्ट से क्या देखा था, लास्ट से दूसरा वाला उठा के आगे लाओ। देखो लास्ट से दूसरा वाला क्रोकोडाइल है, तो पहला स्टेप जो बनेगा, पहले स्टेप पे क्या करोगे, सबसे पहले आएगा क्रोकोडाइल, इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ है वो सारा सेम लिख दो। आपका आएगा जेब्रा, फिर आपका आर्ट, फिर आपका एलिफेंट मेरे भाई, फिर आपका मेरे भाई रैबिट, फिर आपका फिर भाई फाइव, फिर आपका मेरे भाई नाइन, और फिर आपका मेरे भाई सिक्स। सबसे पहले मैंने पहले स्टेप में क्रोकोडाइल को लिया है, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, मैंने बताया था एक बार वर्ड आगे ला रहे हो, एक बार मेरे भाई नंबर आगे लियाओ, एक बार वर्ड आगे लियाओ, एक बार नंबर। तो आप मुझे बताओ ये जो क्रोकोडाइल इसमें कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भैया क्रोकोडाइल में कितने अक्षर थे, आप कहोगे सर 9, क्रोकोडाइल में 9 है, तो आप जो है दूसरे वाले स्टेप में किसको उठा के लाओगे, आप दूसरे स्टेप में 9 को उठा के लाओगे मेरे भाई, किसको उठा के लाओगे, दूसरे स्टेप में आप लाओगे 9 को, क्योंकि क्रोकोडाइल में अक्षर 9 है, तो 9 को उठा के लियाओ मेरे भाई। चलो जी बाकी सेम सेम रहेगा मेरे भाई, ये क्रोकोडाइल सेम, 9 को हम आगे ले आएंगे, बाकी सारा सेम, जेब्रा आपका 8, आपका एलिफेंट, आपका रैबिट, आपका मेरे 5, आपका 6। चलो जी आप चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या कहता है मेरे भाई, तीसरा स्टेप ये कहेगा आपको एक बार क्या करना है मेरे भाई, आपको एक बार ये करना है क्या मेरे भाई, आपको एक बार वर्ड आगे ले जाना, एक बार नंबर, एक बार वर्ड, एक बार नंबर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो आपने नंबर आगे लेगी, अब यहां पे क्या बचा आपका मेरे भाई, अगले वाले में आपको वर्ड लेके जाना है। यहां पे 8 आ रहा है, तो देखो 8 देखो किस वाले अक्षर में आता है, 8 मुझे बताओ किस अक्षर में आ रहा है, आपका जो है वर्ड में 8 लेटर है, देखो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिफेंट में, तो अब के जो है एलिफेंट को उठा के आगे ले जाओ। तो ये क्रोकोडाइल, ये तो यहां तक तो सेम रहेगा, क्रोकोडाइल 9, आप जो है इस वाले को आगे ले आओ मेरे भाई, आपका है आगे ई। इसके बाद आपका क्या मेरे भाई, बाकी सारा सेम, जेड यहां पे 8, यहां पे आर, यहां पे 5, यहां पे मेरे भाई 6। थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये कह रहा है मेरे भाई, ये इसने देखो सिंपल क्या कहा, सिंपल आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे मेरे भाई, समझने की कोशिश करोगे तभी तो होगा क्वेश्चन मेरे भाई। सिंपल इसने ये लॉजिक लगाया भाई, सबसे पहले आप जो ना शब्द को लाओ, उसमें जितने अक्षर हैं वो आएगा उसके बाद, ठीक है। एक बार आप पकड़ रहे किसको, वर्ड को, एक बार नंबर को, एक बार वर्ड को, एक बार नंबर को, ठीक है, एक बार वर्ड को, एक बार नंबर को, एक बार वर्ड को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे भाई आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन तो आना है, ये वाला क्वेश्चन आना है, तोते उड़ेंगे। 5 क्वेश्चन आपके गए मेरे भाई, 5 नंबर जा चुके। अगर आपके 58 नंबर, 57 से 58 नंबर की रीजनिंग आएगी ना मेरे भाई, तो आप देख लेना, आपको जो ना सिर्फ आपको 53 की करनी है, ठीक है, 5 नंबर आपके जा चुके। चलो जी आगे देखो आपका क्या है मेरे भाई, आपका ये आ गया। अब देखो एलिफेंट में आपका वर्ड आया, अब के नंबर है आपका जो, चौथे में आपको लेना है मेरे भाई, क्या चौथे में आपको आएगा, आपके सामने क्या नंबर आना चाहिए मेरे भाई। यहां पे देखो ये तो यहां तक तो सेम होगा, यहां पे C9E, इसके बाद क्या है एलिफेंट, एलिफेंट में कितने अक्षर है मेरे भाई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 अक्षर है, तो 8 आपका आगे आ जाएगा मेरे भाई। आपका नंबर आपका 8 का आ गया, बाकी सारा सेम, जेड इसके बाद आर, इसके बाद 5, इसके बाद मेरे भाई 6। चलो जी इस बार आपका क्या लेना है, इस बार आपको वर्ड लेना है मेरे भाई, इस बार आपको वर्ड वाला आपका आएगा, नंबर वाला नहीं आएगा पांचवें में, बाकी सारा सेम मेरे भाई, यहां तक सेम आएगा, क्रोकोडाइल 9, एलिफेंट 8, इसके बाद क्या है आप देखो मेरे भाई, इसके बाद आपका जेब्रा है और आपका रैबिट है। देखो जेब्रा में कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, और आपका रैबिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे रैबिट में 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम देखो 9, 8 घटता जा रहा है, तो आपका क्या आएगा मेरे भाई, आपके वर्ड का नंबर है वर्ड का, तो रैबिट को आप आगे ले लो, बाकी को पीछे रख दो। रैबिट आगे लिया, आपका क्या बचा, जेड, यहां पे 5 और यहां पे मेरे भाई 6। अब देखो
आपका क्या है, इस बार नंबर आएगा, इस बार आपका नंबर आएगा, छठे में नंबर आएगा मेरे नंबर, ठीक है। यहां पे देखो क्रोकोडाइल आपका यहां तक क्या है, आपका सेम होगा, यहां तक आपका, यहां तक सेम होगा, यहां तक मेरे भाई। चलो जी आपका क्रोकोडाइल लाइन, इसके बाद ई, यहां पे एट, यहां पे आपका रैबिट। अब देखो अगला आपका है नंबर का, नंबर आगे आएगा। अब देखो रैबिट में कितने अक्षर हैं, रैबिट में 1 2 3 4 5 6, तो आपका जितने अक्षर उतना आपका नंबर आना चाहिए, रैबिट में 6 अक्षर तो 6। और यहां पे आपका क्या ये वाला आगे आ गया, आपका जेड और फाई, और जेब्रा में आपके 5 अक्षर है मेरे भाई। पूरा सीक्वेंस ये बनेगा, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट मेरे भाई आपका सीक्वेंस मेरे भाई ये बनेगा, पूरा कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है। आपका सीक्वेंस बन चुका, अब यहां से देखो आपका क्या है, आपको देखना, देखो अब यहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे इस सीक्वेंस के बनाने, ठीक है। आपसे 4 से 5 से देखो, अब यहां पे देखो आपका सीक्वेंस बन चुका, ये पूछ क्या रहा है आपसे, इसने पूछा, ये आपके सामने इनपुट था, इस इनपुट को सही रूप में आपको बनाने के लिए आपको इसमें कितने चरणों की आवश्यकता हुई, इसमें आप मुझे बताओ, इसमें आपको मुझे यह बताना है आपका जो है टोटल कितने स्टेप थे, टोटल कितने स्टेप हुए मेरे भाई, दोबारा फिर बता दूंगा, परेशान मत होना, दोबारा फिर समझाऊंगा। टोटल कितने स्टेप में, इसमें 6 स्टेप में क्वेश्चन बना, कितने स्टेप में क्वेश्चन बना, 6 स्टेप में क्वेश्चन बना, ये वाला 6 स्टेप में। अब अगले वाला देखो क्वेश्चन में क्या कहा, जिनका ए है वो सारे के सारे करेक्ट, तो टोटल 6 स्टेप हुए। आगे क्या कहा, आगे का यही इनपुट दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इसने पूछा जो पांचवा वाला स्टेप है, पांचवे वाले स्टेप में आपको यह बताना कि कौन सा या तो शब्द या संख्या कौन सा दाएं से चौथे नंबर पे आएगा। पांचवे वाले स्टेप में आपको यह बताना है राइट से चौथे नंबर पर क्या है, पांचवे वाले स्टेप में राइट से चौथे नंबर पे क्या है, पांचवा वाला स्टेप मेरे भाई कौन सा है, पांचवा वाला स्टेप आपका मेरे भाई ये रहा, पांचवे वाला स्टेप ये रहा, और इसमें राइट से चौथा नंबर, चौथा नंबर राइट से मेरे भाई इस साइड से इधर, राइट आपका आता है इधर की साइड, राइट से चौथा नंबर देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, भैया राइट से चौथा नंबर तो आपका आर होगा, आर का मतलब रैबिट, आर का मतलब क्या होगा, रैबिट होगा मेरे, राइट से चौथा नंबर पांचवे में क्या होगा मेरे, रैबिट। जिनका आंसर सी है, जिनका आंसर सी है इस क्वेश्चन का, वो सारे के सारे करेक्ट हो मेरे भाई, वो सारे के सारे आप लोग मेरे भाई करेक्ट हो, रैबिट करेक्ट आंसर है। चलो जी आगे चलते मेरे भाई, आगे चलो, यहां पर क्या है, आगे आपसे पूछा है कि आपका जो है, इसमें से आपसे पूछ रहा है भाई आपका कोड यही है, कौन सा सेकंड वाला स्टेप है, इसमें आपको बताना है इन ऑप्शन में से सेकंड वाला स्टेप कौन सा होगा। देखो हमारा सेकंड वाला स्टेप क्या था, सेकंड वाला हमारा स्टेप था क्या था, क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, क्रोकोडाइल लाइन, क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, मेरे भाई ये नहीं है, क्रोकोडाइल लाइन होना चाहिए था, नहीं क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, नहीं जी ये भी नहीं है, क्रोकोडाइल लाइन आपका ये भी नहीं है, देखो क्रोकोडाइल लाइन जेब्रा एट, सेम मैच हो रहा है सेकंड स्टेप। और देखो आपका क्या है, आगे क्या है आपका है मेरे भाई, आपका जो है आपका एलिफेंट, आपका है रैबिट 5 6, एलिफेंट रैबिट 5 6, एलिफेंट रैबिट 5 6, एलिफेंट ये रहा, रैबिट ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, एक ही क्वेश्चन से कम 5 मेरे भाई 5 मिनट लग रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, 5 मिनट अगर लगेंगे तो 5 क्वेश्चन भी तो देगा आपको, 5 जो है 5 क्वेश्चनों के नंबर भी तो मिल रहे हैं मेरे भाई, नंबर भी तो मिल रहे हैं। और देखो जब चीजों को हम देखो हम अपनी माता के मां के पेट से तो आप चीज कुछ सीख के आते नहीं हो, यही सीखोगे, अगर जिसने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है उसे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में मेरी गारंटी मेरे भाई, एक हफ्ते में सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन आपका मैं बनाऊंगा ये वाला, ठीक है। फिर दोबारा ध्यान से समझ लो, एक बार फिर समझा रहा हूं मेरे भाई, एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो हो क्या रहा है, देखो आपके सामने जब भी मशीनी इनपुट का क्वेश्चन आए करने का तरीका क्या होगा, आपको सिर्फ सीक्वेंस चेक करना है। सबसे नीचे देखो सीक्वेंस क्या बना, यहां पे आपका क्या है क्रो, क्रो इसमें देखो कितने लेटर, 1 2 3 4 भैया वर्ड है उसमें जितने लेटर उसके सामने वो, आगे हैन इसमें कितने लेटर 3 भैया, आपका पीकॉक इसमें कितने लेटर 7, आपका क्या है टोकन इसमें कितने लेटर 6, तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है, वर्ड के बाद उसमें जितने अक्षर हैं लेटर है वो लिखो मेरे भाई, फिर आपका वर्ड है, वर्ड के जितने अक्षर हैं लेटर है वो लिखा,
फिर दोबारा ध्यान से सुन लो, करना यह है, देखो यहां पे आपका क्या हुआ, यहां पे आपका ये इनपुट था, इसमें दूसरे वाले वर्ड को उठा के पहले रख दिया, दूसरे वाले वर्ड को उठा के पहले रखा, सबसे पहले आपने किस पे काम करा, वर्ड पे मेरे भाई, इसके बाद बाकी सारा आपने सेम लगाया। अब दूसरे स्टेप में क्या काम किया, जब हमने नीचे चेक कर लिया था जो वर्ड आएगा उसके बाद उसमें जितने अक्षर है वो आना चाहिए, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या काम किया भैया, दूसरा स्टेप ये रहा, दूसरे देखो क्रो में आपके चार हैं भैया, क्रो में चार लेटर आते हैं, क्रो में चार, तो मैंने चार वाला नंबर आगे लगाया, सबसे पहले मैंने वर्ड उठाया और आगे करा, फिर मैंने जो है नंबर उठा के आगे करा, फिर अगले में क्या काम करोगे, फिर वर्ड उठाओगे मेरे भाई, आपका ये सेकंड स्टेप बन गया। अब इसमें क्या उठाओ मेरे भाई, हमें दिख रहा है यहां पे आपका तीन है, तीन किस में आता है, हैन में आता है तीन, तो हैन में आपके तीन वर्ड लेटर मेरे भाई, तो मैंने क्या किया, अगला नंबर देखो आपका पहले वर्ड उठा के फिर नंबर उठाया, फिर वर्ड उठाया मैंने हैन, इसे आगे लगाया, बाकी सारा सेम मेरे भाई, फिर अपने जो है वर्ड के बाद किस पे जाओगे, वर्ड के बाद फिर नंबर उठाओगे। अब मुझे बताओ हैन में कितने लेटर हैं, आप कहोगे सर हैन में तीन लेटर है, तो तीन को उठा के आगे ले गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहां पे आया पिको टोकन 67। अब मुझे बताओ पिको टोकन 67 में आप यहां पे आप क्या उठाओगे, आप यहां पे अगले में आप वर्ड उठाओगे, आप देखो पिकोक और टोकन अगले में क्या उठाओगे, पिकोक, मैंने क्या काम किया, मैंने यहां पे क्या काम किया मेरे भाई, यहां तक तो सेफ, यहां पे आपका क्या है पिकोक वर्ड, ये आपका ये आ गया, इसके बाद टोकन, तो इसके बाद मैंने नंबर उठा लिया मेरे भाई, सेम मेरे भाई आना है क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर जिसने पहली बार देखा है ना आप चिंता मत करना, एक हफ्ते में आपका फेवरेट क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। आज के सेशन आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा मेरे भाई, जरूर लिख के बताना मेरे भाई, और मशीनी इनपुट का क्वेश्चन जरूर करना, आपका चांस है मेरे भाई इस बार आने के, यूपीएसआई में तो आता है, और एसआई का एग्जाम भी तो देना होगा ना आपको, एसआई भी तो बनना है ना, कांस्टेबल ही थोड़ी बनना है। चले साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूपी आपका जो है, आपके आपके जो है यूपी पुलिस के लिए एसएससी मेकर की टीम लेकर आई है क्रैश कोर्स, और इस वाले में मेरे भाई ऑफर चल रहा है, ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र ₹250 में, करना क्या है एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई ये जरूर लिख के बताना सेशन के लास्ट में मेरे भाई, और साथ ही साथ डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है, अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। देखो मेरे भाई भले ही मेरे सेशन में क्वेश्चन कम हो लेकिन कंटेंट में दम मिलेगा मेरे भाई, आपको वो कंटेंट मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, जो कंटेंट आपका रियल में एग्जाम में आता है। मैं वो नहीं पढ़ाना चाहता ए से बी कैसे बना, बी से सी कैसे बना, सी से डी बना, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, मैं उसे पढ़ा के क्या कर लूंगा मेरे भाई, हमें वो चीज पढ़नी है जो हमारी जो ना हमारी वीक है, और आपकी ये चीज वीक है, ठीक है, इन भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो डेली मेरे भाई सेशन में आए। चले यहां पे हमारे कुछ लिंक्स हैं, ये वाला इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है, आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं। चले आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।